जलेबी और इंडियन फेस्टिवल, इन दोनों का एक अलग ही रिश्ता है। जलेबी सुन के सबके मुंह में पानी आ जाता है, तो हम वेट किस बात का कर रहे हैं, चलिए बनाते हैं जलेबी। तो वेलकम टू द कूटे ग्रुप्स, तिरुमाला एडिबल ऑयल प्रेजेंस टेस्ट ऑफ इंडियन फैमिलीज। जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे उसका बैटर, और इसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैदा। इसमें मैं ऐड करूंगा पानी और इसे अच्छे से विस्क करना है ताकि एक अच्छा बैटर बन जाए, और इसमें धीरे धीरे करके हमें पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है हमें। और इसकी इस तरह ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स, और इसे फिर से अच्छे से मिला लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारा बैटर। अब हमें इसे रात भर ढक के साइड में रखना है ताकि वो फर्मेंट हो जाए, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बैच बना के रखा है। आप देख सकते हो किस तरह से ये फर्मेंट हो चुका है, एकदम परफेक्ट बैटर बन चुका है इसका। चलिए अब इसे रखते हैं साइड में और यहाँ पे ऑयल गरम करने रख देते हैं, और जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ तिरुमाला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल। तिरुमाला रिफाइंड सोयाबीन ऑयल इज इन्फ्यूज विद द गुडनेस ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स विच हैव मल्टीपल बेनिफिट्स। सो गैस करते हैं ऑन, और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है हम बना लेते हैं यहाँ पे शुगर सिरप, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ शुगर। इसमें मैं ऐड करूंगा पानी और थोड़ा सा केसर, इसे मिक्स करेंगे। सो एक साइड में हमारा शुगर सिरप बन रहा है, दूसरे साइड हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, तब तक मैं ये जो बैटर है उसे ये स्क्वीजी बॉटल में भर रहा हूँ। आपके पास अगर स्क्वीजी बॉटल नहीं है तो आप पाइपिंग बैग भी यूज़ कर सकते हो, या फिर ट्रेडिशनली जो मसलिन क्लॉथ होता है उसे भी यूज़ करते हैं। और अब बारी है जलेबी फ्राई करने की। तो हमारे बैटर को इस तरह से ऑयल में ड्रॉप करना है, सर्कल सर्कल सर्कल, और फिर एक टेढ़ा, फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। और अब हम इन्हें इस तरह से पलटी कर लेंगे। नाइस। चलिए ये जो हमारा शुगर सिरप है इसे ऐड करते हैं इस बोल में, और धीरे धीरे हम सारी जलेबी इसमें ड्रॉप करते जाएंगे। और इस तरह से हम इसे डिप कर लेंगे ताकि जलेबी सारा शुगर सिरप सोक कर ले। एक बात का खास ध्यान रखिए, जब आप जलेबी शुगर सिरप में डालोगे तब आपका शुगर सिरप गर्म होना चाहिए ताकि आपकी जो जलेबी हो अच्छे से शुगर सिरप में सोक हो सके। हमारी जलेबी शुगर सिरप में सोख हो चुकी है, अब करते हैं इसकी प्लेटिंग, और इस सुंदर से प्लेट पे हम रखेंगे ये जलेबीज। इनको देख के समझ में आता है कि क्यों लोगों के मुंह में पानी आता है। अब करते हैं इसकी गार्निश। गार्निश के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पिस्ता, ऑरेंज कलर के ऊपर हरे हरे रंग के पिस्ता। और कोई भी इंडियन मिठाई सिल्वर वर्क के सिवा अधूरी है। गर्मा गर्म जलेबीज रेडी है। अब कोई भी त्योहार हो आपको बाहर से जलेबीज लाने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसे ही अमेजिंग रेसिपीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू तिरुमाला एडिबल ऑयल्स यूट्यूब चैनल। तिरुमाला एडिबल ऑयल बाय द कूटे ग्रुप, कीपिंग मैनकाइंड हैप्पी।